क्या कहा? अगर शाम तक 10 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरी बीवी को किडनैप कर लोगे? खबरदार, जब मेरी बीवी की तरफ आंख उठा के भी दिखा दो। हाँ, आंख झुका के देखना, छोटी है, नजर नहीं आती वो। अबे फोन पे क्या डरा रहा है, सामने आके लड़, माँ का दूध पिया दो। हाँ हाँ, मैं पिट्टू शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, वही गरीब वाला। हाँ, जब पता तेरे को हमारे पास पैसे नहीं तो फोन क्यों कर रहा है? मेरे को डरा रहा है फोन करके। बीवी किडनैप कर लेंगे, पैसे दे दो। अबे ये खुशी वाली बात है, डराने वाली कौन सी बात हुई इसमें? पागल पागल लोग पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। और मैं वैसे पाजी किसी से डरता नहीं, क्योंकि मेरे गुरु श्री 420 गब्बर सिंह ने कहा है कि जो डर गया सो मर गया, सो आई डोंट नीड टू अफ्रेड एनीथिंग। लेकिन मैंने देखा पाजी, लड़कियां जो होती ना ये ज्यादा डरती हैं, स्पेशली डरेंगी छोटी छोटी चीजों से। जैसे मेरी वाइफ है ना मंजू, एक दिन बाथरूम में थी, छोटे से कॉकरोच को देख के डर गई, बिना मेकअप के बाहर आ गई। इधर आके इतनी बड़ी बकरी को डरा दिया। बकरी कहती, मैं मंजू तू ऐसी है। और कुछ लड़कियां बिना बात के डरने की एक्टिंग करती, जानबूझ के हुआ कुछ भी नहीं होता। भाई नीलम, कहीं फिर वो कल वाला मोनू ना मिल जाए। कौन मोनू? वही जो मेरा दुपट्टा खींच रहा था। अंदर से एक्साइटेड भी होती है, भाई मोनू ना मिल जाए, आ गया मोनू, हाय पकड़ेगा। अजीब अजीब काम करती है। और कई लोग अंधेरे से इतना डरते हैं ना बाजी, कहीं लाइट चली जाए ना गलती से, बाथरूम करने नहीं जाते, जितना मर्जी जोर से लगाओ अंदर ही अंदर रोकने की कोशिश करते हैं यूं यूं करके। और एकदम से लाइट आए ना तो लोग पूछते क्या हुआ, नहीं वो नस चढ़ गई थी तो योगा करके ठीक कर रहा था। और कहीं लाइट आने में टाइम लग जाए तब पता चलता, जब योगा थोड़ा सा लीक कर जाता ना तब पता चलता भाई साहब डरे हुए थे। एक और चीज भाई जिससे लगभग सभी डरते हैं, वो है भूत। हाँ। इसका फायदा तांत्रिक लोग बड़ा उठाते हैं। हाँ। अब तांत्रिक लोग कई तो बचपन से ही तांत्रिक होते हैं, कई वैसे ही 2-3 महीने नहीं नहाते वैसे तांत्रिक बन जाते हैं। एक गुजराती आदमी था, उसका काम नहीं चल रहा था, वो बंगाली बाबा बन गया। हाँ। पकड़ा उस दिन गया जिस दिन उसके पास गुजराती पेशेंट आ गया। एक दिन कहता बाबा केम छो, कहता मजा माचू, बाद में पकड़ा गया। एक हमारे मोहल्ले में तांत्रिक था पाजी, जो भी उसके पास जाता था उसको हमेशा कहता था नींबू काट के चौराहे पे रखो, नींबू काट के चौराहे पे रखो। बाद में पता चला कमबख्त की खुद की दुकान थी चौराहे पे शिकंजवी की। वो नींबू काट करके शिकंजवी बना बना के बेचता था। पर मैंने देखा भाजी, हर आदमी का एक अपना लेवल का डर होता है। यहां पे भी हमारे कोई दोस्त ऐसे हैं जिनको डर लगता है किसी चीज से, वो बेबाक होके शेयर कर सकते हैं। जी सर। देखो सर, सबसे ज्यादा डर तो वैसे अंधेरे से लगता है, लेकिन इससे भी ज्यादा डर मुझे अपनी बीवी से लगता है। बीवी आई है साथ में? आई है। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे पास ही बैठी। ऐसा क्या कहती है मैडम आपको जो डरते हैं? बस जरा सी एक बात न मानो तो बस आसमान सर पे उठा लेती हैं। अच्छा, ऐसा सही कर रहे हैं सर। ऐसा ऐसा करती मैम, आप मर्दों का शोषण करती हैं। शायद इन्होंने आपका सीरियल देख देख कर सीख लिया, जैसे आप अपनी बीवी को रोज ऐसे तंग करते रहते हैं, इंसल्ट करते रहते हैं। कृपा करके अपनी पत्नी की निंदा ना करो, क्योंकि वेदों में शास्त्रों में कहा है यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ति तत्र देवता। आप बहुत अच्छे हो, बहुत नेक, आपकी हर बात वरदान है। बस यही बात सीख लो कि पत्नी आपकी बहुत सुंदर है। जी स्वामी, बहुत खूबसूरत है। मैम मेरे को एक बात बताइए, मैं कहता हूँ कि मेरा मेरी बीवी के साथ बड़ा प्यार है, आई लव हर, शी लव्स मी सो मच। देखो कुछ हुआ। मेरा काम है मैम, मैं क्या करूं? मुझे कोई ऐसा कोई एक मंत्र बता दीजिए, आपको तो काफी याद ना, है ना ना, फलो फूलो पर मूल ना भूलो, बाहर बंदा शेर घर में आके ढेर। ये देखिए, 3 बार के मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, इनकी भी ये विचारधारा है। अब बताइए मैं कहां गलत हूं मैडम? पर वो आपको पता है, मैं सिर्फ बातें करता हूँ कि ये करती है ऐसा करती है, इसके पापा वैसा करते, वो हाथापाई पे उतर आती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उससे हिंसा करनी चाहिए? आपको बातें करते देखा है, लेकिन मैंने उसको कभी हिंसा करते नहीं देखा। वो आप मंजू की रिलेटिव तो नहीं कहीं? मंजू, मुझे पता नहीं क्यों शक हो रहा, मंजू की मामी जी है ये, उनकी तरफ से पैरवी करने आई है। नहीं तो इतनी सुलझी हुई ऑडियंस तो कभी आती नहीं हमारे यहाँ। चलिए थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। मैं तो बाजी अपने दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि डरना किसी चीज से नहीं चाहिए। मैंने तो डिसाइड कर लिया बाजी, मेरे सामने कोई भी आ जाए मैंने नहीं डरना। तो डर गया तो मर गया।
अरे बाप रे मकान मालिक। क्या भाई बिट्टू कैसे हो? क्या हुआ? लुट गए हम, बर्बाद हो गए हम, कुछ नहीं बचा हमारे पास। हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले मर के नहीं गया मैं। क्या हुआ भाई, घर में सब ठीक तो है? नहीं ठीक है जेठ जी, सब कुछ चोरी करके ले गए, कुछ नहीं छोड़ के गए। 3 लाख रुपए रखा था हमने आपका किराया देना था, कुछ नहीं छोड़ के गए, सब ले गए। क्या? अरे लेकिन किराया तो 2 लाख रुपए हुआ है। हमने सोचा था 1 लाख आपको एडवांस देंगे। मैंने कहा सब कुछ लेके जा रहे हो, मुझे भी ले जाओ। कहते हम 2 लोग हैं, मोटरसाइकिल भी ट्रिपलिंग नहीं कर सकते, मुझे भी ले गए, सब कुछ ले गए। मेरे सबसे महंगे वाले बादाम भी ले गए। अबे वो लाखों रुपए लूट कर चले गए और तुम्हें बादाम की पड़ी है? अब बादाम खाएंगे दिमाग चलेगा और चोरियां करेंगे, आपको नहीं पता है। बिल्कुल सही। अब मैं तो यही सोच रहा हूँ आपको किराया कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो माँ के कंगन भी नहीं है। बस बस, ज्यादा मेलो ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ किराया लेने नहीं आया हूँ। अच्छा तो आइए बैठिए। तो क्या लेंगे फिर आप, चाय कॉफी वगैरह कुछ? नहीं नहीं, गर्मी बहुत है, कुछ ठंडा है? ठंडा है ना, आप कपड़े उतार के फर्श पे लेट जाओ, बड़ा ठंडा है। मुझे पता था यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। खैर ये बताओ, ये घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? घर, इसे घर ना कहिए सेठ जी, ये स्वर्ग है हमारा स्वर्ग। आपको पता है घर में घुसते ही हमारी आत्मा को शांति मिल जाती है। अच्छा? इतना लक्की घर है ये, शाहरुख सलमान जितने भी लोग आए सबकी फिल्म हिट, और तो और किरण खेर भी MP बन गई, आपको पता है। अच्छा अच्छा, बस मैं यही सुनना चाह रहा था। तो एक काम करो, जल्दी से जल्दी ये लक्की घर खाली कर दो। ओ, खाली क्यों? मतलब क्या है कि मेरी बिल्डिंग जो है वो कभी कहीं गई नहीं, तो अगले महीने वो रिकंस्ट्रक्शन में जा रही है। तो हम लोग यहाँ आके रुकने वाले। नहीं नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं। देखिए ये घर लकी उनके लिए जो कभी कभी आते हैं, जो परमानेंट रहते हैं उनका बेड़ा घर। आप देखिए ना, गर्मी में ये घर गर्म हो जाता है, सर्दियों में ठंडा हो जाता है, ये क्या तरीका हुआ? अरे वो तो सारे घर होते हैं। वही तो बात, अलग कुछ है ही नहीं इसमें। और 2 कमरे तो हमारे ये सांपों ने घेर कर रखे, उनकी फैमिली रहती है वहाँ पे। सांप? हाँ, तो तुमने निकाला क्यों नहीं? आप निकाल के देख लो, जाओ ऐसे करेगा तो जाओ सामने उसके। सांप को, सांप ने गुस्से से उठा के चाकू मार दिया, तो मैं क्या कर लूंगा, उसके तो फिंगरप्रिंट भी नहीं आएंगे चाकू पे। तो पुलिस तो उसको ये भी नहीं कह सकती हैंड्स अप, वो तो पहले ही हैंड्स अप है। सांप की कम टेंशन है, दीवारों की ज्यादा। आपको पता कभी कभी तेज आंधी चलती है ना, तो दीवारें पकड़ के रखनी पड़ती है कहीं गिर ना जाए। ये छत 3 बार गिर चुकी है अभी, जहां पे आप खड़े हो ना, ये फर्श थोड़ी है, ये छत ही है, हम लोग छत के ऊपर खड़े हैं। बस बस, अभी बहुत बकवास हो गया तुम लोगों का, चुपचाप ये घर खाली कर दो ना, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को मत बुलाइए सेठ जी, क्या कर रहे हैं आप, जुल्म कर रहे हैं। मैं कहां लेके जाऊंगा अपनी बीमार बूढ़ी दादी को, मेरा एक ही सहारा है, हम लोग तो दुबई लंदन भी नहीं जा सकते सर। क्यों? हमारा पासपोर्ट नहीं है। अबे किराए देने के लिए पैसे नहीं है और लंदन दुबई की बातें कर रहे हो? क्या बार बार आप किराया किराया कर रहे हैं, कितना किराया आपका? बोला तो सही कि 2 लाख रुपए। ऐसे नहीं, डॉलर पाउंड में बताइए, दिनार में बताइए मेरे को। देना किस में? देना मेरे को किसी ने नहीं, आम आदमी नॉलेज भी नहीं अपनी बढ़ा सकता। और किराया किराया देना होता तो हम लोग पहला घर क्यों छोड़ के आते, और इससे भी अच्छा था घर हमारा। अच्छा, और नहीं तो क्या? तो फिर छोड़ा क्यों? अरे मालिम का किराया बड़ा मांगता था वो। कितना मांगता था? 15-20 हजार? नहीं, किराया 2 हजार था, दिन में 20-20 बार मांगता था, किराया दे दो किराया दे दो, कोई तरीका हुआ? अगर तुम शाम तक मेरा किराया देकर ये घर खाली करके नहीं गए, तो मुझे घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करना आता है, समझे? तो उंगली टेढ़ी क्यों करनी, आप डिब्बे को गर्म कर दो थोड़ा सा, वैसे भी निकल आता है। अरे यार, अगर तुम घर छोड़ के नहीं गए ना, तो तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। लेकिन बाहर तो सभी लोग कह रहे हैं अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले। चुपचाप घर खाली कर दो, वरना मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। तो घसीटना तो कुर्ते में घसीट लो ना, हमारा कोर्ट क्यों खराब कर रहे हो? मेरा मतलब है कोर्ट कचहरी में घसीटूंगा। ये रहा कोर्ट का नोटिस, शाम तक मेरा किराया दे दो और घर खाली कर दो, वरना तुम सब जेल में जाओगे, समझे? बोलते शाम तक घर खाली करो, पेड़ भी खाली करना हो तो अगले दिन का इंतजार करना पड़ता है, शाम तक घर खाली करा रहा है मेरे बेवकूफ का बच्चा। ओए, मेरी नानी झूठ कहती थी भूत नहीं होते, भूत तो होते हैं। कहाँ है भूत? तू, ए साहब जी, मैं राजू।
अबे अपने घर में इतना सारा पाउडर कहाँ से आ गया? साहब जी ये पाउडर नहीं है, ये आटे का कनस्तर मेरे पे पलट गया है। क्या? हाँ जी। इतनी मुश्किल से मैं आटा इकट्ठा करके लाए, लोगों ने चींटियों के लिए रखा था, तुम सारा ऊपर गिरा के आ गया। साहब जी आपको शर्म नहीं आती आप चींटियों को आटा उठा कर लाते हो? वो नहीं हमारी चीनी लेके जाती। बड़ा लॉजिक दे रहे हो साहब जी। आज दिन ही खराब है यार हमारा, एक तो आटा गिर गया, ऊपर से मकान मालिक बोल रहा है घर खाली कर दो। क्या वो बोल रहे घर खाली कर दो? हाँ तो कर देंगे, कोई बात नहीं, सामान कितना है, एक सोफा है बाहर डाल देंगे। अबे सामान का छोड़, ये सोच रहेंगे कहाँ हम लोग? आप सोचिए आपने कहाँ रहना है, मैं तो जो नया मालिक आएगा उसके साथ एडजस्ट हो ही जाऊंगा। घटिया आदमी तू, दुख के समय हमारे घर छोड़ के जा रहा है? कौन सा दुख का समय, सुख की घड़ी आई कब है आपके घर में? अभी बकवास बंद कर, मेरे को कोई अच्छी सलाह दे, हम लोग कैसे बच सकते हैं इससे? ये देखो, नौकर को पेमेंट देने के लिए पैसे है नहीं, लेकिन सर्विस इनको राम जेठ मिलाने वाली चाहिए। मैं तो बताऊं साहब, सारे काम छोड़कर सिद्धू पाजी के घर में रह लो, वैसे भी ये घर में रहते कहाँ हैं?